आज की डिबेट में हमने आपसे पूछा कि क्या सरकार इतिहास से जुड़े मसलों पर विवाद पैदा कर रही है विवादों को हवा दे रही है जवाब के मुताबिक 55 फीसदी दर्शक मानते हैं कि सरकार विवादों को हवा देने में जुटी है 45 फीसदी इस बात से सहमत नहीं है तो बहुमत के आधार पर अगर बात की जाए तो अब तेजराज सिंह जी आपसे जानना चाहता हूँ कि इस मसले का हल कहाँ पर निकलेगा सरकार की सोच क्या होनी चाहिए इस मसले का हल बहुत इजी सरकार को सामने आना चाहिए और सरकार अपना इस पर पूरी स्थिति को स्पष्ट करे कि राजस्थान का इतिहास यह है अनावश्यक राजस्थान के इतिहास की जो कॉन्ट्रावर्सी बनी है कणनी सेना के लोग जो जिन बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर उन बातों को उनसे कन्वेंस करना चाहिए कि ये बात जो आप कह रहे हैं वो ये यू नहीं है और इसका मतलब यह है तो इस सारी बात का पट्टा हो सकता है लेकिन राजस्थान की सरकार इसमें आना नहीं चाहती क्योंकि राजस्थान की सरकार कहीं ना कहीं हर कॉन्ट्रावर्सी का फायदा उठाना चाहती है जबकि अनावश्यक कॉन्ट्रावर्सी राजस्थान में आने वाले पर्यटन

सरकार उससे बिल्कुल बैकफुट पे आ गई है और श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना और उनके अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी इसके लिए कटिबद्ध हैं कि वो हर कीमत पे इतिहास का संरक्षण करेंगे और कोई भी इतिहास से छेड़छाड़ करेगा तो जो संजय लीला भंसाली के साथ हुआ वही हसन वो आगे भी करते रहे शकुंतला जी अब आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ कि विपक्ष इस रुख को देखने के बाद सरकार से क्या उम्मीद करता है कहाँ कार्रवाई होनी चाहिए कहाँ पर एक्शन होना चाहिए कहाँ पर तब्दीलियाँ होनी चाहिए और कहाँ इतिहास का संरक्षण होना चाहिए इतिहास से किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि आप दसवीं और बारहवीं शताब्दी में नहीं जा सकते हैं आज 2017 है आप उसमें देखें कि नया कुछ करने की कोशिश करें लेकिन पिछले से को नहीं छेड़ना चाहिए और जैसा कहा राठौर जी ने तो करनी सेना से बैठकर के बातचीत करनी चाहिए सरकार क्यों डर रही है कोई ना कोई जाकर के बात करे समस्या सुने और उसका समाधान होना चाहिए हमारे भारतीय संस्कृति से और राजस्थान की संस्कृति से हमारी महिलाओं से मान मर्यादा से किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए और एक ये जो नाम इन्होंने बदल दिया उससे क्या दिखाना चाहते हैं अगर आप विदेश में जाएंगे आप अपना परिचय देंगे कहाँ से हैं तो वहाँ कहेंगे कि वो पधारो मारे देश और जो ऊँट के ऊपर ढोला मारूँ जो पिक्चर राजस्थानी जो प्रसिद्ध है क्या उसको मिटाना चाहते हैं तो ये ऐसे लगता है कि क्या इनकी सोच है उसको ये सीधा ही कह दो कि भाजा पा, भाजा पा ही लिख दो ना सब जगह जिससे बढ़िया रहेगा हमारी पहला तो के सवाल का जवाब क्या सरकार इतिहास से जुड़े विवादों को हवा दे रही है दर्शक इस बात से सहमत है क्या कहना चाहेंगे उनको आप देखिए इतिहास में कहीं न कहीं कोई तथ्य ऐसे हैं जिन्हें हमें आपत्ति है तो इतिहासकारों से बातचीत करके अगर उसको ठीक किया जा रहा है तो उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए और वास्तविकता है पाठ्य पुस्तकों में हुँ. वो सोच समझ करके और उस पर गंभीरता से विचार करके तथ्यों के आधार पर संशोधन किए हैं हुँ. तो निश्चित रूप से उन्हीं को जोड़ा गया है अगर हम केवल आपके सामने तेजराज जी ने मांगे रखी शकुंतला जी ने अपनी मांगे रखी करण सिंह जी ने अपनी मांगे रखी क्या सरकार इन पर गौर करने के लिए तैयार है नहीं मांग में आप आज करणी सेना की कोई भी मांग है तो उस पर निश्चित रूप से सरकार बैठ करके और संवेदनशीलता के साथ बात उम्मीदें काफी है आप और, लोगों से और निश्चित रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए और दोनों पक्षों को सरकार को भी और सेना के भी करणी सेना के भी नेताओं को हमारा राजस्थान शांति रहा है और हमें शांति प्रिय रहते हुए ही अपनी बात को सरकार के सामने रखते हैं निश्चित रूप से सही चीजों को सरकार के लिए मानने में कहीं बाध्यता नहीं है और उन पर विचार करके और आपसी सद्भावना के साथ उन पर निर्णय किया जाना चाहिए राजस्थान में ये सौहार्द बना रहे इसका दोनों पक्ष जी का एक सवाल है एक, एक, सवाल है बीच में माफी चाहूंगा रोकने के लिए जी मेरा ये मानना है आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि क्या भाजपा सरकार आए दिन इस तरीके के मैसेज दे करके इतिहास से छेड़छाड़ करके बल्कि लड़ाई और झगड़े को जन्म देती है कि हमारे राजस्थान में अशांति पैदा हो आपस में झगड़े पैदा हो इस चीज को जन्म देना चाहते हैं इसके अलावा कोई चलिए जवाब दीजिए उसके साथ क्लोज कोई अशांति पैदा कोई भी सरकार राज्य में रहती है शांति नहीं चाहती है सब सरकार यही चाहती है कि शांति पूर्वक चले और वार्ता की शांति के साथ साथ सबसे बड़ी जरूरत है जिस इतिहास को सहेजने का जिम्मा हम सबका है सरकारें उस पर प्राथमिकता के साथ काम करें न कि सियासत करें उम्मीद यही करेंगे आज कि इस डिबेट के बाद इस इतिहास को सहेजने के लिए कोई कोशिश होगी और वो भी कारगर कदम की ओर फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो